राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्तनमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्तदेशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा गोविंदा। ओके, हम क्या चर्चा कर रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमें आज फर्स्ट अध्याय 9th श्लोक ऑनवर्ड्स प्रभु करना। सेकंड कैंटो सेकंड कैंटो फर्स्ट अध्याय 9th श्लोक ऑनवर्ड्स प्रभु। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता रजर्षे आख्यानं यद् अधीतवान्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हे राजश्री, मैं अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रभुत्व उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तात्पर्य, सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है, तो वह श्री भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अल्प ज्ञान के कारण हम परम सत्य का व्यक्तित्व होने के सिद्धांत को समझ नहीं सकते। एवं श्री भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलापों के
प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं, किंतु विवेक बुद्धि एवं तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी श्री भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकते, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है, तब वे अवश्य ही श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री भगवान दिव्य हैं और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। वे न तो निष्क्रिय हैं और न निर्विशेष। हरे कृष्ण भगवान। अच्छा जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, परनिष्ठितोपि परनिष्ठितः। परनिष्ठ मतलब जो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर चुका है, जो आत्म साक्षात्कार को जो पा चुका है। परनिष्ठितः अपि मतलब मुक्ति को पाने के बावजूद भी क्या हुआ, मुक्ति पा चुके हैं। मुक्ति पाने का क्या मतलब है, वो सारे भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठ चुका है। मतलब कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है इस दुनिया के अंतर्गत जो उन्हें आकर्षित कर सकती हो। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विशेष स्थिति, पद, प्रतिष्ठा, धन, किसी भी प्रकार के भौतिक चीजों से बिल्कुल किसी भी प्रकार के आकर्षण ही नहीं होता उनके उनके मन में। वैसा व्यक्ति को कहा जाता है परनिष्ठितः, जो कि सारा भौतिक आकर्षण से या भौतिक मोह से, आसक्ति से ऊपर उठ चुका है, जो कि मुक्त है, आत्म साक्षात्कारी है। वैसा व्यक्ति होने के बावजूद भी गृहीत चेता, उनकी चित्त जो है, उनकी हृदय गृहीत मतलब आकर्षित हो चुका है भगवान के प्रति। भगवान मतलब भगवान की यहाँ पर लीलाओं के प्रति आकर्षित हो चुका है। भगवान की लीलाएं इतना मनोहर, इतना मधुर है कि ऐसा व्यक्ति जिस जिनको कोई भी और वस्तु या विशेष या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता है, वैसा लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने का शक्ति भगवान की अद्भुत मधुर लीलाओं में है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, वैसा लीलाओं का व्याख्यान किस प्रकार से किया जाता है, उत्तम श्लोक लीलाया। वैसा लीलाओं का वर्णन उत्तम श्लोकों के माध्यम से उसकी वर्णन होता है। उत्तम श्लोक मतलब चॉइस पोएट्री, बहुत ही अद्वितीय अद्भुत श्लोकों की रचना के द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन और गायन चलता है। तो वैसा भगवान की लीलाएं जो कि उत्तम श्लोक ने लीलाया है, तो वैसा लीलाओं से गृहीत चेता, मेरी हृदय जो है आकर्षित हो चुका है। मैं कौन हूँ, मेरा मुक्ति होने के बावजूद भी मैं आकर्षित हो चुका हूँ हे राजन, करके यहाँ पर परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है ना, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जो उनको आकर्षित कर सकती है, बट भगवान की लीलाओं से तो आकर्षित हो जाता है। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी की वृत्तांत तो आप सभी लोगों को हमने पहले कहा ही है। जैसे सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में ही रहने के बाद सुखदेव, उनकी पिताजी व्यासदेव के आग्रह पर वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते ही अपने पिता और माँ के प्रति मोह छोड़कर तुरंत तुरंत निकलते ही वो घर को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। घर को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज वो 16 साल इसलिए गर्भ में रहे थे कि वो माया से मोहित नहीं होना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए मैं बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी, ना मैं बाहर ही नहीं आऊंगा करके वो अंदर ही रहेगा। पर बारंबार व्यासदेव कहने पे तो बाहर निकला, बाहर निकला तो फिर घर भी छोड़ दिया, फिर घर छोड़कर चले गए। फिर व्यासदेव पीछे पड़े थे, फिर तब भी वो वापस नहीं लौटा। देन फिर फाइनली व्यासदेव अपना शिष्य को दो श्लोक आए सिख कहने के लिए
दो श्लोक आए उनके सामने कहने के लिए, कहकर उनको सुखदेव गोस्वामी के पीछे भेज देते हैं। इन दो श्लोकों में, एक श्लोका में भगवान की सौंदर्य की वर्णन होता है, बरहा पीडम नट बर वपु कर्णी को कर्णिकारम, ये वाली श्लोका कहते हैं। तो ये वाली श्लोका सुनकर ही, पहले ये वाली श्लोका कहता है वो शिष्य जाकर, जब सुखदेव गोस्वामी चले जा रहे थे तो उनको सुनाई देने के हिसाब से ये व्यक्ति जो है जोर से ये श्लोका कहता है। ये श्लोका कहते ही देन फिर सुखदेव गोस्वामी सोचने लगते, ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना सुंदर है, जिनके विषय में श्रीमती राधा रानी और बाकी गोपी इतना अद्भुत ढंग से गा रही हो, ऐसा अद्भुत रूप किनकी है करके फिर सुखदेव गोस्वामी सोचने सोचने में पड़ जाता है। और फिर जैसा सुखदेव गोस्वामी ऐसा व्यक्ति का चिंतन करने लगे, जिस व्यक्ति का सौंदर्य के वर्णन इस श्लोका में किया जा रहे हैं, तो उस उतने में ही ये जो सेवक शिष्य जो है वो दूसरा श्लोका भी कहने लगता है। और दूसरा श्लोका क्या है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये लीलाओं का वर्णन है, जिन लीलाओं में भगवान की अद्भुत कृपा की वर्णन है, भगवान कितना दयालु है, कि भगवान कितना कृपालु है, इस बात के वर्णन करते हुए श्लोका हो बकीयम स्तन कालकूटम जिघां से बात अपि असाध्वी। तो इसमें कहा जाता है कि एक पूतना जैसा राक्षसी जो कि असाध्वी है, असाध्वी है, जो कि बहुत ही कुटिल बुद्धि की है, वैसा कपटी है, वैसा कपटी जो कि पूतना एक सुंदर स्त्री की वेश पहनकर, एक माँ की वेश पहनकर जब आई थी अपना स्तनों पे कालकूट विष लगाकर, केवल और केवल कृष्ण को मारने का ही उद्देश्य के साथ आई थी, बट फिर भी कृष्ण ऐसा कृपालु है कि ऐसा व्यक्ति को जिसने उनको मारने आई थी, तो वैसा व्यक्ति को भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार करके उनको अपना मातृ का पद दे दिया, या अपनी माँ के पद दे दिया है। ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने को मारने मारने के लिए आया हुआ व्यक्ति को उद्धार करके उनको परंधाम पहुंचा कर उनको मातृ का पद दे देना, कौन सा ऐसा व्यक्ति करेगा। इसलिए कहते किम बा दयालु शरणम व्रजे माँ, कौन सा ऐसा दयालु होगा इनसे बढ़कर जिनके आश्रय लेना उचित होता है करके यहाँ पर गाया जाता है। जब ये दूसरी वाली श्लोका सुना देन फिर तुरंत ये सुखदेव गोस्वामी सोचने लगी, ये व्यक्ति केवल सुंदर ही नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति कितना अद्भुत कृपा है उनके हृदय में, ऐसा व्यक्ति के विषय में और जानना चाहिए करके इस प्रकार की जिज्ञासा फिर पुनः वो सुखदेव गोस्वामी के अंतर्गत जागृत हुई। तभी वो आकर पूछता है कि इस व्यक्ति के विषय में और मैं कहाँ जान सकता हूँ, कहाँ सुन सकता हूँ, ये कौन से शास्त्र से बताई जा रहे हैं, क्या है करके पूछ कर देन फिर वो खुद ही व्यासदेव जिनके पीछे पढ़ पढ़ कर थक गए थे, वापस नहीं लौटा, ऐसा व्यक्ति खुद ही भाग कर गए थे व्यासदेव के पास, केवल इन श्लोकों की विषय में समझने के लिए, और श्लोकाएं कौन से शास्त्र से कही गई हैं वो शास्त्र पढ़ने के लिए, और व्यासदेव से और लीलाएं सुनने के लिए ही चले गए थे सुखदेव गोस्वामी। ऐसा अद्भुत आकर्षण है इन श्लोकों में, वैसा सुखदेव गोस्वामी को का किसी भी प्रति भी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहा उनकी जीवन में, बट केवल यही एक चीज है जो उनका आकर्षित कर सका, इसलिए यहाँ पर वही बात कहा जा रहे हैं, परनिष्ठया परनिष्ठतोपि, मैं मुक्त होने के बावजूद भी मेरा जैसा व्यक्ति को भी अपनी ओर आकृष्ट करने की जो सामर्थ्य और शक्ति है और मधुरता जो है इन लीलाओं में है, जो कि उत्तम श्लोकों के माध्यम से जिसकी महिमा गाया जाता है करके यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। ऐसा सुखदेव गोस्वामी पुनः व्यास देव से ये श्रीमद् भागवत की श्रवण करके, सुखदेव गोस्वामी जो कि एक निराकार ब्रह्मवादी थे, वैसा व्यक्ति जो कि ब्रह्मानंद में ही आनंद लेते हैं, वैसा व्यक्ति भी अभी भगवान की प्रति और भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होकर वो भी भक्त बन जाते हैं, वो भी भक्त बन जाते हैं केवल इस प्रकार से श्रवण करके।
इसलिए वैसा कहा जाता है कि अगर कोई मायावादी भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की शुद्ध भक्तों का संगति अगर उनको मिल जाए, देन उनको भक्त बनने की अवसर प्राप्त हो जाता है। भक्त बनने की अवसर प्राप्त हो जाता है अगर वो भक्तों के प्रति अगर अपराध किए बिना उनकी संगति करे, देन फिर वो भक्त बनने की बहुत चांसेस रहेंगे। तो ये भक्तों के संगति की महिमा है, भक्तों के संगति की महिमा है। इसलिए बताया जाता है अगर कोई मिश्रित भक्ति भी कर रहे हो, अगर मिश्रित भक्ति करने की अवस्था में भी अगर कोई शुद्ध भक्तों की संगति में आता है, देन फिर वो मिश्रित भक्ति से शुद्ध भक्ति के स्तर पे वो आ सकता है। इसलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति में द मोस्ट इम्पोर्टेंट की पर प्रैक्टिसिंग डिवोशन, प्योर डिवोशन इज प्योर एसोसिएशन। दिस इज द वेरी रूट ऑफ प्योर डिवोशन। अगर शुद्ध भक्ति करनी है, देन शुद्ध भक्तों का संगति से ही शुद्ध भक्ति हो सकेगा। अगर शुद्ध भक्तों का संगति नहीं है, देन फिर शुद्ध भक्ति नहीं होगा, नहीं होगा। और शुद्ध भक्तों का संगति अगर किसी भी मिश्रित अवस्था में भी हम हैं, फिर भी अगर शुद्ध भक्तों को संगति मिल जाए, देन फिर धीमे धीमे हम शुद्ध भक्ति की स्तर पर हम पहुंच जाएंगे। ऐसा अद्भुत महिमा है शुद्ध भक्तों की संगति की। और केवल मिश्रित भक्तों के विषय में कहना क्या, यहाँ पर तो एक ब्रह्मवादी के विषय में कहा जा रहा है। जो एक ब्रह्मवादी है वो कैसे भक्त बन गया, केवल भक्तों की संगति करने से, व्यासदेव की संगति करने से कैसे भक्त बन गया। तो इसलिए द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डिवोशन, डिवोशन इज टू ऑलवेज कीप द कंपनी ऑफ प्योर डिवोटीज। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो भक्ति के अंतर्गत हमेशा ध्यान रखने वाली बात यही है, अपने आप को हमेशा शुद्ध भक्तों के संगति में रखना। एंड अगर इस प्रकार से आप रख पाए और उनके प्रति किसी भी प्रकार के अपराध करने से आप बच भी जाए साथ ही साथ, देन फिर आप निश्चित ही शुद्ध भक्ति करने लगेंगे एंड फिर निश्चित भगवान वापस लौटने की मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। तो इसलिए वैसा शुद्ध भक्तों को संगति को पाने के लिए व्यक्ति को भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए और खुद भी प्रयास करनी चाहिए। तभी तो हम नाम जप में भी एक प्रार्थना यही होता है, स्वभक्त द्वारा, हे कृष्ण स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान, भजन ज्ञान दाने न मत चित्तम शोधाया। एक प्रार्थना है नाम जप के दौरान करने वाली एक प्रार्थना, स्वभक्त द्वारा, हे भगवान आपके भक्तों को संगति मुझे प्रदान करके, उन भक्तों के द्वारा भजन ज्ञान दाने ना मुझे भजन करने की विधि के विषय में आप मुझे ज्ञान दीजिए, आपके भक्तों के माध्यम से इस प्रकार की ज्ञान मुझे दीजिए। और मत चित्तम शोधया, और इस प्रकार से मेरे चित्त का मार्जन करिए, मेरे चित्त को शुद्ध करिए, करके यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है। एंड दो प्रार्थनाएं और इन्हीं प्रार्थनाओं में से, एक तो श्रावया, श्रावया मतलब मुझे ऐसा लीलाओं की श्रवण करने की सौभाग्य मुझे प्रदान करें, मुझे श्रवण करने का भाग्य दीजिए, मुझे श्रवण करना है, मुझे सुनने की सौभाग्य दीजिए। कुछ प्रकार से एक भी एक प्रार्थना है जप करने के दौरान। कुछ प्रकार से विभिन्न प्रार्थनाएं हैं। तो ये सारा संगति के संबंधित प्रार्थना ही है। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है शुद्ध भक्तों की संगति। इसलिए जब भी इस प्रकार की संगति पाने के अगर मौका मिले, तो निश्चित हमें निश्चित उसे पाने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। और अगर कुछ छोड़ना भी पड़ा तो छोड़कर भी हमें उन भक्तों की संगति हमें करनी चाहिए। जैसा अभी जैसे हमने उस दिन भी कह रहे थे कि ये ब्रह्मोत्सव के दौरान उस प्रकार का अनेक विशेष वरिष्ठ भक्त आने वाले हैं जिनकी संगति पाने के बहुत सुंदर अवसर है।
संगति तो ऐसा, एक तो उनसे सुनकर संगति प्राप्त किया जाता है, उन्हें देखकर उनकी संगति होता है, उनको ऑब्जर्व करके उनकी संगति पा सकते हैं, उनकी सेवा करके उनकी संगति पाया जा सकता है। इनमें से जो भी आपके लिए संभव है तो करिए, देखना, उनको ऑब्जर्व करना, उनसे सुनना, या ना तो उनकी सेवा करना, या उनकी सेवा करना, वो करने वालों की सेवा करना, जो उनकी सेवा कर रहे हैं वैसा लोगों को मदद करना, ये भी सेवा है। तो इस प्रकार से उन लोगों की संगति किया जा सकता है। अगला श्लोक, तदहं ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धताम् आसु स्यान् मुकुन्दे मतिस्सति। मैं वही श्रीमद् भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम मान्य वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथा अर्थात प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए व्यक्तित्व सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, तभी अध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट हो पाएगा। किंतु इस विधि को किसी तरह का भ्रमजाल मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक साहित्य के प्रमाणों के आधार पर बताते हैं। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होने चाहिए। यहाँ पर गुरु अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है, उसे वे उसी रूप से सुनाने के लिए उद्यत हैं, और शिष्य अर्थात परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। और भगवान श्री कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त बनकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सुसज्जित हो जाता है। यह शिक्षा साक्षात श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, और पूर्ण रूप से केवल उनकी ही शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्णतया पवित्र बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवतम का अध्येता बन जाता है, और जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनता है, उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। श्रीमद् भागवतम के व्यावसायिक वाचक तथा छद्य भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के श्रवण पर निर्भर होती है, वे श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से अलग होते हैं। श्री व्यासदेव ने श्री सुखदेव गोस्वामी को जन्माधस्य श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया, अतः श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाया। भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्ति में स्वरूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्ति में भाव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कलयुग के पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त दो श्लोक हैं। प्रभु जी, में श्लोक आगे पढ़िए आप। संस्कृत। दूसरे शब्दों में पुरुष का अर्थ है भोक्ता और महापुरुष का अर्थ है परम भोक्ता या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है, वह महापौरुषिक कहलाता है। जो कोई श्रीमद् भागवतम को प्रामाणिक वाचक से ध्यान पूर्वक सुनता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष
श्रीमद् भागवतम को प्रामाणिक वाचक से ध्यानपूर्वक सुनता है वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता श्री भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवतम को सुनने के संदर्भ में महाराज परीक्षित जैसा श्रोता कोई अन्य नहीं था और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनाने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी जैसा सुयोग्य व्यक्ति अन्य कोई नहीं था। इसलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करता है निसंदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परीक्षित को केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला और श्री सुखदेव गोस्वामी ने केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त किया। प्रवचन कीर्तन तथा श्रवण नौ भक्ति में कार्यों में से दो कार्य हैं और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। अतः श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण पाठ जन्माधस्य श्लोक से प्रारंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्य पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम के पारायण को नियमित रूप से सुने। यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवतम को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतः जिसकी रुचि श्रीमद् भागवतम में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ ना करे अपितु वह महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे श्री सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही प्रवचन सुने। हरे कृष्ण। तो महाराज अम्बरीश के विषय में यहाँ पर कह रहे हैं। महाराज अम्बरीश तो किस समय का थे? सतयुग के थे। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के भागवत में कहना, ये किस समय की बात थी? बिल्कुल कलयुग की शुरुआत की बात है, जैसे द्वापर युग की अंत में या कलयुग की शुरुआत, या संध्या, युग संध्या कहा जाता है। दो युगों का मिलन जो होता है वो युग संध्या कहा जाता है। तो फिर वैसे युग संध्या की समय की थी। बट यहाँ पर गौतम ऋषि ने अम्बरीश महाराज को क्या कहा, आप उस समय, मतलब सुखदेव गोस्वामी ने जिस प्रकार से भागवतम कहा है उसी प्रकार से आप ये श्रीमद् भागवतम अध्ययन करो या पढ़ो या समझो करके। तो उस प्रकार से यहाँ, तो फिर ये कैसे समझेंगे? ये तो द्वापर युग में हुआ एंड फिर वो तो सतयुग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ये दोनों कोई साधारण जीव नहीं है। दे आर नो नॉर्मल पीपल हु जस्ट अपियर्ड एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ कलयुगा। वो कोई साधारण लोग नहीं, जैसा हम लोग जैसे जन्म लिए हैं वैसे ही वो लोग कलयुग में या कलयुग की शुरुआत में या द्वापर युग के अंत में जन्म ले लिया, नहीं। रादर दे आर एटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के शाश्वत संगीगण हैं। क्योंकि अनेकों बार इस प्रकार से उन लोगों ने इस इन लीलाओं को किया हुआ है, लीलाओं को किया हुआ है, इसलिए इस बात की बात ही नहीं है। क्योंकि जब भी हमें लगता है कि बस ये सतयुग में ही काल काल शुरू हुआ है करके, सतयुग के पहले भी तो था चतुर्युग, सतयुग के पहले भी तो था चतुर्युग। तो इस प्रकार से काल तो अनंत समय से चली रही है। हाँ, फिर उसके बाद एक और, तद अहम ते अभिधाष्यामि, तद अहम, मैं उस भागवतम की
प्रवचन मैं करूंगा। महापौरुषिकः, मैं आपको ही क्यों ये भागवत सुना रहा हूं, क्योंकि आप महापौरुषिकः मतलब आप बहुत सिंसियर भक्त हो, इसलिए अगर सही में कहा जाए ये भागवतम उन भक्तों के लिए ही है जो कि बहुत सिंसियर है। तो आप प्रश्न पूछ सकते थे प्रभु जी हमें क्यों सुना रहे हैं। सिंसियर बनाने के लिए सुना रहे हैं। ऑफ कोर्स ये भागवतम एक्चुअली उनके लिए है जो कि बहुत ही सिंसियर है। वैसे तो आप सभी भी सिंसियर है, तभी तो आप भागवतम सुनने आप यहाँ पर बैठे हो, सुन रहे हैं। तो यू शुड बी सिंसियर, दैट्स वी आर हियर। तो आपको भी क्या कहा जाएगी, महापौरुषी कहा कहना है आपको या नहीं, महापौरुषी कहा ये उन भक्तों के लिए है जो कि बहुत बहुत सिंसियर है। तो इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू बी एन ऑडियंस, टू बी द ऑडियंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। भवान आप महापौरुष को हो, इसलिए मैं आपको ये भागवत सुना रहा हूं। और इस प्रकार से सिंसियरली भागवत सुनने का क्या फल है, इसका फल बता रहे यश। और आप कैसे सुन रहे, यस्य श्रद्धा धताम आसु, और आप बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत ही सम्मान के साथ आप यह भागवत सुन रहे हैं। इफ यू आर हियरिंग भागवतम विथ ऑल अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, अटेंशन एंड रिस्पेक्ट के साथ जब भागवत की श्रवण व्यक्ति सिंसियरली, जो सिंसियर डिवोटी ही करेगा ना, वो बहुत बहुत ध्यान के साथ सुनेगा और बहुत सिंसियरली सुनेगा। ध्यान के साथ और सिंसियरली सुनने का क्या मतलब होता है, फर्स्ट थिंग पेइंग अटेंशन और पेइंग रिस्पेक्ट इज वन वुडेंट डू एनीथिंग एल्स व्हाइल लिसनिंग भागवतम। भागवतम सुनते हुए दूसरा कोई और काम नहीं करेगा, बिकॉज फिर वो तब अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी ना, तब डिसरिस्पेक्टफुल होगा। जैसा कि मानो कि आई कम टू योर होम, मैं आपके घर पे आऊंगा और मैं बैठा हूं, आप अपनी डाइनिंग टेबल साफ करते करते मेरे से बात करेंगे तो मुझे कैसे लगेगा, सही नहीं ना। आप अपने झाड़ू मारते मारते, हाँ प्रभु जी कैसे हो, ठीक हो, तो दिस इज नॉट द राइट एटिकेट ना। सो सिमिलरली इफ अ स्मॉल टाइनी पर्सन लाइक मी, अगर मेरा जैसे एक तुच्छ जीव को भी सम्मान देना होता है, देन फिर ये तो भगवान है, श्रीमद् भागवतम तो भगवान की स्वरूप है। भगवान की स्वरूप क्या, भगवान ही है श्रीमद् भागवतम। और ऐसा जो श्रीमद् भागवतम जो भगवान ही है, अगर वैसा भगवान को अगर भेद ध्यान अगर व्यक्ति रहे, देन डेफिनेटली इट इज वेरी ऑफेंसिव, इट इज वेरी ऑफेंसिव टुवर्ड्स भागवतम। तो इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना होता है भागवतम। एंड सही में जो श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक सम्मान देते हुए सुनेगा, देन उसके विषय में कार श्यान मुकुंदे मति ही, उनकी मति जो है मुकुंद के ऊपर लग जाता है, उनकी श्रद्धा बढ़ जाएगी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, श्रद्धा बढ़ जाएगी, उनकी मति भगवान पे लग जाता है। एंड भगवान पे मति लग जाने का मतलब भगवान आपकी मति में चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे इसका मतलब क्या है कि आई मीन यू विल हेल्पलेसली रिमेम्बर कृष्णा, हेल्पलेस रिमेम्बर, आप ना चाहते हुए भी भगवान ही आपके दिमाग में चलते रहेंगे, आप निरंतर भगवान के विषय में स्मरण करते रहोगे, भगवान की लीलाओं का स्मरण होता रहेगी, कितने अद्भुत बात है। अगर भगवान की चिंता चल रही है, भगवान के विषय में स्मरण चल रहा है, देन बाकी सारा कचड़ा बाहर, बाकी सारा कचरे की जगह ही नहीं रहा, क्योंकि एट ए टाइम एक ही चीज है तो आप सोच पाओगे, अगर भगवान की चिंतन चल रहे तो फिर बाकी माया का चिंतन नहीं होगी। सो यू आर सेव बाय दिस।
तो उसके लिए अगर भगवान की स्मरण बाद में ठीक प्रकार से होना है, तब हमें उसके लिए क्या करना होगा, जब प्रवचन चलता है, जब यह भागवतम पढ़ते हैं, तब श्रद्धा पूर्वक ध्यान के साथ सम्मान देते हुए हमें सुनना चाहिए। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वन शुड हियर भागवतम। अभी तो ये सारा ऑनलाइन वॉनलाइन सब कुछ आ जाने के कारण कई बार हम भागवत श्रवण इत्यादि बहुत हल्के में ले लेते हैं, साधुओं की संगति वगैरह ना बहुत हल्के में लेते हैं। बट पहले समय पर मैं एक दिन तो सोच रहा था, पहले समय पर जब ये सारा यूट्यूब इंटरनेट इंटरनेट सारा नहीं होता था, उस समय लोगों को अगर भागवत सुनना होता है, ये तभी संभव हो पा रहा था कि जब कोई साधु पुरुष जो है उस गांव में आया हो या कोई मंदिर में आया, तभी संभव हो पाता है। इसलिए फिर लोग चाहे काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागेंगे उनको सुनने के लिए, और कितना दुर्लभ हो जाता है। अभी तो इट इज जस्ट अ क्लिक अवे, बस एक बटन दबा दो फिर शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, चाहे सुने या ना सुने वो बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। तो उस प्रकार की रीति है, तो इसलिए फिर हमारे लिए तो हल्के हो गया। बट इट इज वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। बस यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए, वैसे तुम सुन रहे, दो बार इस प्रकार से महान महान संत संत सभी लोग एकत्रित हुए थे अनेक ग्रहों से भी आकर। एक तो भीष्मदेव जब शरीर छोड़ रहे थे, तब सभी संत महात्मा एकत्रित हुए थे भीष्मदेव की तिरोगमन को देखने के लिए, किस प्रकार की गति भीष्मदेव को भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना श्री कृष्ण की सुंदर मुख कमल को देखते हुए, कृष्ण नाम लेते हुए, कृष्ण ध्यान करते हुए, कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। कैसा अद्भुत अवस्था है कृष्ण के भक्तों के बीच में। तो कैसा भाग्य है उनकी, कृष्ण के भक्तों के बीच में कृष्ण की स्तुति करते हुए, कृष्ण रूप देखते हुए, कृष्ण के सामने उन्होंने शरीर जोड़ा। तो ऐसा महत भाग्य को देखने के लिए सारे वहां पर देवी देवता, सारे ऋषि मुनि सब एकत्रित हो गए थे। एंड उसी प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तब भी ये सारे संत महात्मा एकत्रित हो गए थे। सभी सारे संत महात्माएं इधर उधर से कहीं से भी, हर स्वर्ग लोक से, हर जगह से ही आ गए थे यहाँ पर पृथ्वी लोक पर, केवल सुखदेव गोस्वामी से मुख से प्रकट होता हुआ इस अमृत को पीने के लिए सभी पहुंच गए थे वहां। तो ऐसा महत भाग्य है श्रवण करने का मौका मिलना। तो इसलिए फिर जिनको ये पता है वो तो बहुत बहुत ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ वो सुनेगा, श्रद्धा के साथ सुनेगा। दिस इज अ मैटर ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट एंड अटेंशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, इट इज अ मैटर ऑफ इट, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन और एनीथिंग एल्स। वो साधारण कथा नहीं है, कोई मूवी की स्टोरी नहीं है यहाँ पर जो कहा जा रहा है, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं को व्याख्या है, कथा उनकी वचन उनकी उनकी दिव्य रूप है ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए उस प्रकार के ध्यान देना चाहिए, उस प्रकार के ध्यान देना चाहिए। इसलिए जिनके लिए भी संभव होता है, फिर वो जब भी भागवतम होता है देन फिर ध्यान पूर्वक सुने। ठीक है, आज की कलयुग में तो संभव नहीं हो पाता है हर बार ही हम मंदिर आकर इस प्रकार से बैठकर प्रॉपरली श्रवण करना, बट कम से कम जब घर से भी सुनने का मौका दे दिया जा रहा है, तब घर से भी जब सुनने का मौका दे दिया जा रहा है, तो फिर तब तो कम से कम व्यक्ति को उस प्रकार से भी श्रद्धा के साथ ध्यान के साथ सुनना चाहिए। नहीं तो फिर इट इज लाइक इन ए वेरी इररेस्पेक्टफुल डिसरेस्पेक्टफुल मूड, ए डिसरेस्पेक्टफुल पोस्चर पीपल हियर भागवतम विच इज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल। आप सोचो, मैंने इट इज लाइक इट इज एज इफ यू आर लर्निंग पर्सनल ऑडियंस टू द लॉर्ड।
भगवान आपसे मिलने आए हैं, भगवान आपसे बातें कर रहे हैं, और आपको कितना ध्यान से बैठना होगा, कितना ध्यान से सुनना होगा, आप सोच लेना। इट इज एज गुड एज दैट। भगवान व्यक्तिगत रूप से आपके पास आए, आपके घर पे बैठे बैठे, जहां पर भी आप श्रवण कर रहे हो, इसका मतलब सोच लेना कि आप अपना लिविंग रूम में बैठकर आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आपके बगल में भगवान बैठे, सामने बैठे भगवान, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये कितना ध्यान से सुन रहे करके। आप अभी आंख खोल कर सामने देख लेना, भगवान होंगे वहां, भगवान होंगे सामने, भगवान देख रही है क्या, ध्यान वो सुन रही है, इधर उधर मन भटक रहा है, क्या कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना होगा, तभी आप। एंड फिर ध्यान से सुनने की कितनी बड़ी बात, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे मुकुंद दे मति ही, आपकी मति लग जाएगी मुकुंद पे, एंड दिस इज व्हाट वी आर फीलिंग शॉर्ट ऑफ, आई मीन हमारे जीवन में तो इसी कहते कमी है, भगवान के ऊपर हमारा मन नहीं लग पाता, हमारा मन जो है भगवान के ऊपर नहीं लग पाता, हमारा श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर, उसके कारण हमारा मन बारंबार भटकता है। तो वही भगवान कह रहे अगर श्रद्धा से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, देन फिर आपके अंदर श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, यही बता रहे, स्यान मुकुंदे मति ही सती, स्यान मुकुंदे मति ही सती, आपके अंदर ये श्रद्धा बढ़ जाएगी अगर ध्यान पूर्वक सुने तो। इसलिए वैसा तो हम एक तो दो बार हम सुनते हैं हफ्ते में, वो भी लाइव, बाकी तो यूट्यूब में तो चलता रहता है, यूट्यूब में तो वो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो तो आपके हिसाब से चलता है, बट जो लाइव जब चलता है वो तो टाइमिंग के अनुसार चलता है, देन तब हम पहले से ही अपना काम धंधा पहले से कर लिया जाए, ताकि हम इस समय हम फ्री रख सके अपने लिए, सो दैट वी कैन सोली एंड होल हार्टेडली लिसन टू। हम यही दो बातें चर्चा कर देख, तो भगवान, भगवान ने क्या कहा वो गीता में है, और भगवान ने क्या किया वो भागवतम में है, तो दोनों ही भगवत संबंधित बातें ही हम चर्चा कर रहे हैं, एक तो भगवान ने क्या कहा वो हर मंगलवार को हम चर्चा कर रहे हैं, और भगवान ने क्या किया वो भागवत के माध्यम से हर गुरुवार को हम चर्चा कर रहे हैं, ये दो दिन हम उस प्रकार से बिल्कुल समय निकाल कर हमें रखनी चाहिए, ताकि भगवान के विषय में हम श्रद्धा के साथ ध्यान के साथ प्रॉपरली बैठ कर हम सुने। एंड ऑब्वियसली जब जब कोई वीडियो ऑन करता है देन फिर वो सतर्क हो जाता है, नहीं वो प्रभु जी तो देख रहे हैं, प्रभु जी देख रहे हैं करके फिर थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, फिर थोड़ा जबकि वबकि लगेगा भी तब भी आंखें खुल जाएगी, नहीं पता नहीं वो तो सभी लोग देख रहे हैं, हम सो रहे तो देख जाएंगे, सो दैट्स वे इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड या बेटर कि व्यक्ति ठीक है अगर सामने बैठ कर सुन नहीं पा रहे तो कम से कम कैमरे के सामने तो बैठ कर सुन ले, अगर सामने बैठ कर नहीं, साधुओं के सामने बैठ कर एटलीस्ट कैमरे के सामने तो बैठ कर व्यक्ति सुन ही सकता है, सो दैट इज द रिस्पेक्ट दैट वी पे टू श्रीमद् भागवतम, भागवतम के प्रति जो रिस्पेक्ट, दैट इज व्हाट वी पे टू दैट। तो उस प्रकार से व्यक्ति को सम्मान देनी चाहिए, सम्मान देनी चाहिए, उस प्रकार श्रीमद् भागवतम की पुस्तक, श्रीमद् भागवतम जो पुस्तक के रूप में भी जो श्रीमद् भागवतम होता है उसको भी वी शुड ट्रीट एज गुड एज ए डीटी, एक विग्रह की तरह हमें उसकी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, श्रीमद् भागवतम की पुस्तक को भी। एक बार वैसे मैं तो वैसे मूर्ख ही हूँ, जब भागुर महाराज से मिलने गया था फिर वहां पर हमें कुछ रखना था, महाराज जी का मोबाइल ऐसा कुछ रखना था, हम सीधा मोबाइल ले जाकर भागवतम के ऊपर रख दिया, मोबाइल लिया और महाराज जी का ही मोबाइल है वो रखना था, फिर मोबाइल लिया और महाराज जी को भागवतम के ऊपर रख दिया मैंने, तो महाराज ने कुछ कहा तो नहीं, तो
महाराज ने साइलेंटली वो मोबाइल उठाया और साइड पे रखा। वो भागवत भगवान है ना, भगवान के ऊपर, भगवान को दे दिया मोबाइल, थोड़ी देर पकड़ लो करके थोड़ी देर मोबाइल पकड़ना करके दे दिया। तो ये गलत है। सो वी पीपल आर फूलिश, जिनको पता नहीं है कुछ भी, तो वैसा महान संतों के साथ जब रहेंगे देन फिर पता चलता है कि भागवतम जब सच में ही भगवान है तो वैसा भगवान के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए। कई बार भक्त लोग इधर उधर ही पुस्तक छोड़ देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, इट इज नॉट प्रॉपर। वी शुड पेइंग रिस्पेक्ट, वही तो कह रहे कि श्रद्धा धातुम, वी शुड पे रिस्पेक्ट टू भागवतम, हमें लिटरली झुक कर प्रणाम भी करनी चाहिए, प्रणाम भी करनी चाहिए। कई लोग तो जब भागवत अपने घर पे लाते हैं उसके स्वागत में उसके आरती उतारते भागवतम की, जिस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी का आरती उतारते हो उसी प्रकार से भागवत का आरती उतारा जाता है, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान है। पूरा भागवतम को भगवान के विभिन्न अंगों से तुलना किया जाता है, जैसा पहले दो स्कंद भागवतम की, ये दोनों भगवान की दोनों चरण है, चरण कमल है दोनों। तो उस प्रकार से भगवान के सारे अंगों के साथ एक एक स्कंद की तुलना किया जाता है। उस प्रकार से नवम स्कंद है भगवान की कंठ है, और दसम स्कंद है भगवान की मुख है, मुख है, स्माइलिंग फेस ऑफ द लॉर्ड इज द 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो उस प्रकार से भगवान के सारे अंगों के साथ भागवतम की तुलना किया जाता है, तो इसलिए भगवान की अंग है सारा श्रीमद् भागवतम, इसलिए उसे प्रणाम करनी चाहिए, उसे सम्मान देनी चाहिए। और सबसे बड़े सम्मान भागवत की यही है, उसकी नियमित रूप से अध्ययन करना, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिनित्य प्रतिदिन भागवत की अध्ययन करना ही भागवत की सेवा है। नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन जो है सेवा, भागवत की सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसे करेंगे, प्रतिदिन भागवत के अध्ययन करके भागवत की सेवा होगी, भागवत की सेवा प्रतिदिन भागवत के अध्ययन करके होगी। तो इस प्रकार से भागवत की सेवा करनी चाहिए। भागवत की सेवा इस प्रकार से पढ़कर वैसे सुनकर भागवत की सेवा होती है, तो प्रतिदिन ही करनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी कहते हैं ना, वो 7 days वाला वो रिचुअलिस्टिक वो एंकरेज नहीं करते भागवतम में, भागवत सप्ताह जो भागवत कथाएं करते हैं 7 दिन 7 दिन की, तो वो एंकरेज नहीं किया जाता। भागवतम, भागवतम सप्ताह करके कहीं नहीं है, भागवतम नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन ही भागवत पढ़नी चाहिए। कोई कहेंगे नहीं प्रभु जी परीक्षित महाराज तो 7 दिन ही सुते सुने थे इसलिए हम भी सूत्र 7 दिन तक सुनेंगे बस, नहीं, आप उसकी भावना तो समझो ना। परीक्षित महाराज के पास केवल 7 ही दिन बचे थे, इसलिए जीवन में जितना भी समय बचा था वो सारा समय उन्होंने भगवान के विषय में सुनने में लगा दिया। उसी प्रकार से आज से लेकर जीवन में जितना भी समय बचा है वो सारा समय भगवान की सेवा में लगाने की बात चल रही है, ना कि केवल 7 दिन का। ये लोग 7 दिन गिन लिया, परीक्षित महाराज एग्जैक्टली 7 दिन 7 दिन भागवत सुने थे इसलिए हम भी 7 ही दिन सुनेंगे, 8वें दिन हम अपना जो काम है वो करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नहीं। ये तो इस भावना से समझना चाहिए कि परीक्षित महाराज के जीवन में 7 ही दिन बचा तो 7 के 7 दिन उन्होंने भागवत सुनने में लगा दिया, अगर आपके पास 100 दिन बचा है तो 100 दिन लगा दो भगवान के विषय में सुनने में। इट इज टू सरेंडर कंप्लीटली, नॉट 7%, केवल 7 दिन समर्पण करो, बाकी दिन आप अपना करो करके, नहीं, इट इज द एंटायर थिंग। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भागवत सप्ताह के विषय में कहते हैं, एंड एक शिष्य इस भागवत की वचनों को समझ कैसे सकते हैं, तो ये भी बात प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं। द डिसाइपल कैन रिसीव सच टीचिंग्स नॉट एग्जैक्टली इंटेलेक्चुअली, केवल बुद्धि के आधार पर व्यक्ति भागवत
नहीं समझ सकता है। केवल बुद्धि के आधार पर भागवत नहीं समझा जाता है, मटेरियल बुद्धि के आधार पर। ये नहीं सोच सकते प्रभु जी, मैं तो, मेरा तो एमटेक हो गया, मेरा एमबीए हो गया। नहीं, एमटेक एमबीए, 10 एमटेक कर लो, 10 एमबीए कर लो, फिर भी भागवत नहीं समझाएगी। ये भागवत बुद्धि के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। इसलिए अगर व्यक्ति कोई सोचे कि प्रभु जी हम तो इतना बुद्धिमान नहीं है, हम कैसे समझ पाएंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं, बुद्धि के आधार पर नहीं समझा जाता। हाउ भागवत कैसे समझा जा सकता है? ओनली बाय सैटिस्फाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु को संतुष्ट करने पे गुरु बुद्धि देते हैं हमें समझने के लिए, गुरु कृपा करते हैं, एंड उस कृपा के आधार पे ही व्यक्ति भागवत को समझ पाएगा। एंड ये कृपा का मतलब, जैसे प्रभुपाद जी सातवें में ये भी वर्णन करे, कृपा मतलब ये कोई करंट शॉक नहीं है कि जैसे कृपा मतलब जैसा होता है ना, वो हाथ इस प्रकार से बढ़ा दिया, देन फिर उनकी उसके हाथ से कुछ किरणें निकल रही है और आपके आप पे आ गया, देन फिर वो आपको कृपा मिल गया। तो उस प्रकार से कोई, उस प्रकार की कोई सिंबल नहीं है, कोई किरणें नहीं है जो कि उनके आंखों से, प्रभु जी ने पता नहीं वो उनके आंखों से कुछ ऐसा तेज आ गया और फिर मेरे पास आ गया, फिर मैं वो ले लिया, फिर बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस था वो। ये सारा सेंटिमेंटल एक्सपीरियंस है, ट्रांसेंडेंटल नहीं। ये सारे सेंटिमेंटल एक्सपीरियंस है, ट्रांसेंडेंटल नहीं। ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस ये है कि When you are completely incapable of following the instructions of the spiritual master, but still the Lord empowered you to follow the instructions of the spiritual master because of sincerity, then वो transcendental experience है। वो transcendental experience आपके अंदर बिल्कुल योग्यता नहीं है गुरु की आज्ञाओं को पालन करने की, बट फिर भी आपकी मन बिल्कुल चाह रहा था कि नहीं मुझे पालन करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए करके आपने प्रयास किया और भगवान आपको, आपके ऊपर ऐसा कृपा किया कि आपसे वो आज्ञा का पालन करवा ही दिया है, देन फिर ये ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस होगा। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपाहातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। मूकं करोति वाचालं, एक डम्ब व्यक्ति जब बोलने लग जाता है, एक लंगड़ा व्यक्ति चलने लग जाता है जब गुरु की कृपा होगी। जैसा अभी रिसेंटली जब मैं, मतलब आज ही कल ही मैं घर से वापस आया था ना, घर पे जब था वहां पर एक प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया। वो प्रोग्राम क्या था, एक व्यक्ति एक ट्रस्ट चला रहा था, श्री गुरुदेव ट्रस्ट करके वो ट्रस्ट चला रहा था, एंड फिर वो मतलब वो क्या करते हैं कि वो जिन जिन के जिन जिन की हाथ पैर कट जाता है ना, वैसा लोगों को वो हाथ पैर बनवा कर वो देता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। वो अपनी सारा धन संपत्ति को केवल इसी में ही लगा दे, पूरा उन्होंने संपत्ति, अपना सारा धन संपत्ति खत्म कर दिया और पूरा जीवन भर उन्होंने यही किया। वो हाथ पैर वो मैन्युफैक्चर करता है, आर्टिफिशियल हाथ पैर वो बनाकर, देन फिर लोगों को बुलाकर, जो भी गरीब गरीब लोग हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं है, उनको ये आर्टिफिशियल हैंड्स एंड लेग्स वो देता है, अच्छा काम करता है। उस प्रकार से कर दे रहा था, फिर उसमें मुझे बुलाए थे कि प्रभु जी इस प्रकार से सभी लोग आ रहे हैं, 400-500 लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को आप एड्रेस करिए, बताइए करके। देन उनको मैंने यही वाला श्लोक सुनाया, मुखम करोति वाचालम पंगम लंगे ते गिरम यत कृपाहातम वंदे श्री गुरुम। फिर इस श्लोक का कहकर मैंने यही कहा, अगर सही कहा जाए तो सभी ही लोग लंगड़े ही है, एवरीबॉडी इज, जैसा दिव्यांग करके कहते हैं ना,
वैसे लोग, वैसे सभी ही लोग लंग देही है, उनके अंग नहीं है ठीक से, बिकॉज वो मुख होकर भी क्या फायदा जो मुख भगवान के गुणों को नहीं गाती है। उससे बेहतर है कुछ गलत शब्द ही नहीं निकलेगी अगर आपका मुंह बंद ही रहेगा तो। अगर आपको मुंह बंद ही रहेगा तो गलत शब्द भी तो नहीं निकलेगी, तो वही बेहतर है फिर। तो होकर क्या फायदा, वो तो नरक की ओर ले जा रहे तुम्हें, तो होकर क्या फायदा रहा कि वो, बिकॉज वो उसकी गलत प्रकार की प्रयोग करे तो वो तो नरक की ओर ले जा रहे तुम्हें तो। हाथ पैर होकर क्या फायदा तुम्हारी, क्योंकि वो हाथ पैरों के प्रयोग हम जब पाप करने के लिए उपयोग कर रहे हैं वो तो नरक की ओर ले जा रहे तुम्हें तो। तो उस प्रकार के हाथ पैर होकर क्या फायदा है, तो वैसा हाथ पैर होने से बेहतर है लंगड़ाई होना बेहतर है। कम से कम व्यक्ति कम से कम पाप करेगा, कम से कम पाप करेगा। तो बिकॉज पर मैंने वही कहा कि आप हैंडीकैप्ड आप नहीं हो, हैंडीकैप्ड सही में वो है जो अपनी अपने जीवन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया है, वो लोग हैंडीकैप्ड है। अगर आप भी अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो फिर आप भी हैंडीकैप्ड है ही, बट वो लोग भी हैंडीकैप्ड ही है जो अपने जीवन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, बिकॉज वो अपने अंगों को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए सारे अंग तुम्हें दिया गया है। तो इस प्रकार से वी आर ऑल हैंडीकैप्ड ही है फॉर दैट फैक्ट, फॉर दैट मैटर। बट गुरु अपनी कृपा से हमें दिखाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि अपने मुंह की प्रयोग किस प्रकार से करनी चाहिए, अपने हाथों की प्रयोग किस प्रकार से करनी चाहिए, अपने पैरों की प्रयोग किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे ये हाथ पैर मुंह इत्यादि वो हमें नरक की ओर नहीं ले जाएं बल्कि हमें भगवान की ओर, भगवत धाम की ओर ले जा सके। इस प्रकार की सिखाते, इस प्रकार से सिखाते हैं गुरु। एंड वैसा गुरु को जब संतुष्ट करेंगे व्यक्ति, तब ही व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम समझ आएगी, अन्यथा व्यक्ति को अपने बुद्धि के आधार पर नहीं समझ आने वाली है। इसलिए अन्य जगह भी यह बात कहा जाती है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते ही कथिता ही अत्ता। जिस प्रकार की श्रद्धा व्यक्ति के भगवान के ऊपर होता है, अगर उसी प्रकार की श्रद्धा गुरु पे, गुरु के ऊपर हो एंड उसी प्रकार की भक्ति गुरु का भी करे, तभी जाकर व्यक्ति को तस्येते ही कथिता ही अर्थाः, तभी तो व्यक्ति को शास्त्रों की अर्थ पता चलेगा। प्रकाशन्ते महात्मनः, महात्माओं के द्वारा, साधु पुरुषों के द्वारा जो कही गई बातें तभी समझ आएगी जब इस प्रकार से हम गुरु के ऊपर श्रद्धा रखते हुए गुरु की सेवा करके गुरु को संतुष्ट करेंगे। तो गुरु की सेवा कैसे करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे एक मर्सिडीज बेंज कार देकर। मर्सिडीज कार, बेंज कार देना, देन गुरु संतुष्ट हो जाएंगे। अगर बेंज नहीं है तो BMW भी चलेगा, उससे भी चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं, आप मर्सिडीज बेंज BMW देने पे भी गुरु संतुष्ट नहीं होंगे। गुरु तब संतुष्ट होंगे जब उनके कहने के अनुसार, उनकी निर्देशन के अनुसार भगवान की सेवा करेंगे, तो उनकी दिखाया व पद पर चलकर भगवान की सेवा करें तो उससे गुरु प्रसन्न होते हैं। नॉट बाई सिंपली गिविंग हिम सम मेटीरियल गिफ्ट या बहुत ही प्रकार की चीजें देकर, आप कितना भी दीजिए उनको, उनके मन की शांति, उनको मन की संतुष्टि नहीं होगा, उनके मन को संतुष्टि नहीं होगा। उनके मन की संतुष्टि उसमें है जब आप उनकी बात सुनकर भक्ति करेंगे और उनकी बात सुनकर
भक्ति के प्रचार करने में सहायता देंगे। एक तो स्वयं भक्ति करेंगे एंड दूसरा भक्ति के प्रचार करने में सहायता करेंगे। यही गुरु एंड फिर गुरु के निर्देशन के अनुसार जब हम ये सारे कार्य करेंगे देन गुरु को और बहुत आनंद मिलता है। जब गुरु देखते हैं कि आप बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, इट गिव्स ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू हिम, उनको बहुत अच्छा लगता है। आप जब प्रतिदिन सुबह उठते हो, जप करते हो, अच्छा जप करते हो, श्रवण करते हो, पठन करते हो, ध्यान पूर्वक सुनते हो भागवत इत्यादि, देन फिर ये सारा देखकर ही गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। विल बी प्लीज्ड बाय योर डिवोशन। तो ऐसा कोई भी भौतिक चीजों से गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। आप स्वयं अच्छा भक्ति करेंगे वही गुरु के लिए बहुत बड़ा प्रसन्नता के कारण है। और आपके अंदर गुण बढ़ता हुआ जब गुरु देखते हैं, आप नम्र बन रहे हैं, सहनशील बन रहे हैं, भगवान के प्रति आपके अंदर प्रेम बढ़ रही है, तो ये सारे देखकर गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एंड आपकी भगवान की सेवा करने के प्रति आपकी रुचि, आसक्ति, निष्ठा, समर्पण को देखकर गुरु बहुत प्रसन्न होता है, हो जाते हैं। ये कितना सेवा कर रहे हैं भगवान की करके देखकर, ये कितना प्रचार कर रहे हैं, कितना मदद कर रहे हैं, कितना नम्र है, यही सारी चीजें देखकर गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार वैसे श्रील प्रभुपाद जी से ही किसी भक्त ने पूछा, श्रील प्रभुपाद व्हाट प्लीजेस यू द मोस्ट, प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने, आपको सबसे प्रसन्न क्या करेगी, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट मोर बुक्स, इफ यू मेक मोर डिवोटीज, इफ यू मेक मोर टेम्पल्स, क्या आप बहुत सारे मंदिर बनाने पे आप खुश होंगे, बहुत सारे प्रचार करके भक्त बनाने पे आप प्रसन्न होंगे, बहुत ज्यादा पुस्तकें बांटने पे प्रसन्न हो जाएंगे, क्या करने पे आपको आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू लव कृष्ण, यू लव कृष्ण, अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हो देन फिर वही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात बनेगा। क्योंकि क्योंकि जो भगवान से प्रेम करेगा वो ये सारे चीज ऑटोमेटिकली करेगा, पुस्तक वितरण भी करेगा, प्रचार भी करेगा, भक्तों को बनाएगा भी, भक्ति भी करेगा, बाकी सब कुछ उसके अंदर आ जाएगी। ये सारे उसी का सबसेट है प्रेम का। तो इसलिए प्रभुपाद जी शॉर्टकट में कह दिया कि आप भगवान से प्रेम करो, इसी में मेरी प्रसन्नता है। तो उस प्रकार से सो दिस इज व्हाट एक्चुअली प्लीजेस द स्पिरिचुअल मास्टर, आर लव फॉर कृष्ण, एंड आर लव फॉर कृष्ण इज एक्सप्रेस्ड इन आर सर्विस। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम हमारा सेवा के माध्यम से व्यक्त होता है। हम कितना समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं, तो हम वी नीड नॉट हैव टू गो एंड से कि आई लव यू करके, हमें अलग से जाकर बताने कोई जरूरत नहीं पड़ता। आर वेरी एक्टिविटीज विल शो आर लव फॉर कृष्ण, हमारे कार्य ये बताएगी कि हम कितना भगवान से प्रेम करेंगे। आप ये नहीं कह सकते बहू जी मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ बट मंगलारती नहीं आ पाता, मंगलारती नहीं आ पाता, प्रभु जी मैं भगवान से बहुत प्रेम हूँ बट वो प्रचार हो नहीं पाता है प्रभु जी, प्रभु जी मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ बट वो जब ठीक से नहीं हो पाता है। तो फिर तो कौन सा प्रेम करते हो आप, जब ना आप सुबह उठ पा रहे हैं, ना भगवान के नाम जब ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं, ना प्रचार कर पा रहे हो, ना भगवान की कोई और सेवा कर पा, ना आप अपनी भक्ति कर पा रहे हो, देन फिर आपकी प्रेम का मतलब क्या हुआ। तो फिर भगवान कहेंगे तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पॉकेट में रख लो, तुम्हारा प्रेम तुम अपना पॉकेट में रख लो, तो फिर क्या काम की है ना।
तो प्रेम मतलब तो इन्हीं सारे चीजों से व्यक्त होगा। हाँ तो इस प्रकार से दिस अनफ्लिंचिंग फेथ इन लॉर्ड कृष्णा प्रिपेयर्स वन टू बिकम अ स्टूडेंट श्रीमद् भागवतम और हियर श्रीमद् भागवतम फ्रॉम डिवोटेड सुखदेव गोस्वामी श्योर टू अटेन सेल्वेशन एट द एंड। एंड ऐसा व्यक्ति जिनके अंदर अटूट श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण पे और गुरु पे, ऐसा व्यक्ति जब सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति से जब भागवत की श्रवण करेगा तो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, भगवत धाम को प्राप्त करेगा। ना कि उन लोगों को कोई भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी जो कि प्रोफेशनल रिसाइटर्स है, जो प्रोफेशनली भागवत कथाएं करते हैं। उनके टारगेट रहते हैं 7 दिन में पूरा भारत स्कंद भागवतम खत्म हो जाना चाहिए, 7 दिन में पूरा भागवत खत्म हो जाना चाहिए। तो ये कौन सी टारगेट है? तो ऐसा कितने बार भागवत पाठ हो जाता है फिर भी कुछ होता नहीं है। सो रादर अगर भागवत सत्ता भी कहीं कुछ होता भी है जैसे राघवेंद्र स्वामी महाराज करते हैं तो वैसा किया जा सकता है। कैसे करते हैं? बाकी लोगों की तरह वो पूरा भागवत को 7 दिन में कवर नहीं करेंगे, वो एक संदर्भ उठाएंगे जैसे ध्रुव महाराज की कहानी या प्रहलाद महाराज की शिक्षा या कुंती महारानी की शिक्षा उठाएंगे और वो कुंती महारानी शिक्षाओं पर ही पूरा 7 दिन कथा बताएंगे। कथा बताएंगे मतलब कि एक्सप्लेन ईच एंड एवरी श्लोक, हर श्लोक का बताते हुए उसके अर्थ बताते हुए उसका अपने जीवन में किस प्रकार से अपनाना चाहिए, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, सारा बताते हुए समझाते। सो दिस इज हाउ इफ एट ऑल 7 डेज वाला करना भी है तो उस प्रकार से किया जाता है, ना कि भाग दौड़ करके कैसे भी करके भागवत सप्ताह कर लिया। गोवर्धन आज गोवर्धन होगा, आज गोवर्धन उठा लिया, कल द्वारका को उठा लेंगे, पर परसों को भागवत उठा लेंगे, खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत सुंदर तात्पर्य पर प्रभुपाद ने दिया है, आप कुछ समझ लेते हैं। टाइम भी तो ठीक है। लास्ट ए तन्निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकवादी होते हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके पश्चात अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है, और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर हो रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनमें भी श्रेष्ठ भगवत भक्त होते हैं जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लीन रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त अपने स्वयं के लिए कोई कामना नहीं करते। यदि श्री भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि श्री भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। ना ही वे आत्मतुष्ट होते हैं क्योंकि वे केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। श्री भगवान के पवित्र नाम के निरापराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले श्री भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, और फिर श्री भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं से परिचित होता है। श्री भगवान के इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को आधिकारिक
उससे अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः श्री भगवान के रूप, गुण, लीलाओं, नाम आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह वे विधि न केवल भक्ति में सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुत की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। श्रील जीव गोस्वामी का उपदेश है कि श्री भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से और साथ ही पद्य पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य श्री भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने आप को उबार सकता है। मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर अपने आप को श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से मुक्त कर सकता है। किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरण चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने आप को बचा नहीं सकता। पद्य पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। प्रथम अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने श्री भगवान की महिमा का प्रचार किया है। दूसरा अपराध है श्री भगवान के पवित्र नामों को संसारी ख्याति के रूप में देखना। श्री भगवान सभी ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतः वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे किसी तरह भी श्री भगवान की अपूर्णता सिद्ध नहीं होती। श्री भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है क्योंकि वे सभी श्री भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिशाली होते हैं, और सृष्टि के किसी भी भाग में श्री भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा श्री भगवान की महिमा के गायन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद हैं, और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तुओं की तरह भेदभाव नहीं समझे। तीसरा अपराध है प्रामाणिक आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना है। पांचवा अपराध श्री भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारी गणना के अनुसार परिभाषित करना है। श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न है, और मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या करना। ना तो श्री भगवान काल्पनिक है, न ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो श्री भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम के जप करने वाले को पवित्र नाम के जप में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सातवां अपराध है पवित्र नाम के बल पर इच्छा अनुसार पाप करना। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल पवित्र भगवान नाम के जप से समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से छूटा जा सकता है। अगर इस आधार पर कोई व्यक्ति इस दिव्य विधि का दुरुपयोग करता है और इस उम्मीद से पाप करता जाता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसा अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्तुत विधि से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही श्री भगवान के पवित्र नाम के जप के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और सुरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विलग रहे कि वह पवित्र नाम जप उसकी रक्षा करेगा। आठवां अपराध है श्री भगवान के पवित्र नाम तथा उसके जप की विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के समान समझना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म होते हैं, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप करने के केवल केवल पवित्र शुभ सेवा न, आ, के लिए पवित्र नाम तथा इसका जप करने के केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पवित्र नाम तथा श्री भगवान एक ही सत्ता है। अतः पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए।
भाव यह है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वे न तो किसी के सेवक हैं, न ही किसी के आदेश पालक हैं। इसी प्रकार चूंकि श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न है, अतः पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नौवा अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो श्री भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। यदि ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोता को दिया जाता है तो जो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। दसवां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के पश्चात भी श्री भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह है झूठे अहंकार की धारणा से जप करने वाले की मुक्ति। झूठा अहंकार अपने आप को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए हैं। संपूर्ण भौतिकतावादी जगत में मैं तथा मेरा ये झूठे अहंकार से वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही चाहिए कि पवित्र नाम के जप का प्रभाव वास्तविक होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तात्पर्य है ये। सभी लोगों को निश्चित रूप से बारंबार पढ़ना चाहिए, कम से कम 5-10 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तात्पर्य के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी सारे नाम अपराधों के विषय में काफी मतलब एलैबोरेट करके बताए थे सारे चीजों को ना। कई बार लोगों को नाम अपराधों के विषय में कही वैसा जानते तो है, बट उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नाम अपराध हम कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अगर ये तात्पर्य अगर ध्यान से पढ़े, हर नाम अपराध के विषय में प्रभुपाद ने इसमें कहा है, ध्यान से पढ़े तो फिर व्यक्ति को समझ आएगी कि वो नाम अपराध का क्या मतलब होता है, कौन से नाम अपराध का क्या मतलब होता है, ये सारे श्रील प्रभुपाद ने इसमें बहुत सुंदर प्रकार से दिया हुआ है। तो इसलिए ये सभी लोग नोट कर लीजिए, 2.111 ये सभी लोग पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए भागवत बाकी अन्य पुराणों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस भागवत के अंतर्गत कोई और विषय के बारे में चर्चा ही नहीं होता है, केवल और केवल शुद्ध भक्ति के विषय में ही चर्चा होता है। देयर इज नो अदर सब्जेक्ट, कोई पुण्य ये वो सारा कुछ भी नहीं। देखिए पिछले श्लोक में श्रवण के विषय में बताई गई है, इस वाला श्लोक में भगवान के नाम की महिमा बताई जा रहे हैं, और कोई और श्लोक हम भगवान के भक्तों के विषय में कही और भगवान के रूप के विषय में। सो इस प्रकार से पूरा भागवत इसी प्रकार के वर्णन से ही भरा हुआ है, इसलिए भागवत ये अद्भुत ग्रंथ है। जैसे यहाँ पर बताया जा, हरि हरे नामानु कीर्तनम, एक व्यक्ति को भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन करनी चाहिए, और ये भी कैसे करनी चाहिए, अनुकीर्तनम, ये दिस शुड बी कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंटली, इनसेसेंटली। इनसेसेंटली मतलब अभिक्षण सहा कहा जाता है, अभिक्षण सहा मतलब इनसेसेंटली का मतलब है कि इट्स एन इनसेसेंट फ्लो, जस्ट लाइक गंगा इनसेसेंटली फ्लोस टुवर्ड्स द ओशन, जिस प्रकार से गंगा देवी वो बिना कहीं पर भी रुके वो निरंतर ही समुद्र की ओर प्रवाहित होता है, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे धूप हो जाए, चाहे गर्मी के मौसम हो, चाहे ठंडी के मौसम हो, चाहे कुछ भी हो जाए, गंगा नदी तो वो निरंतर ही प्रवाहित हो रही है समुद्र की ओर। उसी प्रकार से ही एक व्यक्ति व्यक्ति भगवान के नाम निरंतर ही लेते रहना चाहिए, बिना कहीं पर भी किसी भी प्रकार की रुकावट की बाधा की, निरंतर भगवान के नाम लेनी चाहिए। किन को लेनी चाहिए, यहाँ पर बताए जा रहे हैं 3 प्रकार के लोगों को लेनी चाहिए। एक तो भौतिक व्यक्ति जो कि कर्मी व्यक्ति है, उनको भी भगवान का नाम निरंतर लेनी चाहिए। एंड दूसरा, अगर कोई आत्म साक्षात्कार पाया हुआ व्यक्ति है, वन हु है सेल्फ रियलाइज्ड सोल, उनको भी भगवान के नाम कीर्तन करनी चाहिए। एंड तीसरा, भक्त को भी करनी चाहिए, कर्मी को, मुक्त आत्मा को, भक्त को, तीनों को ही भगवान के नाम संकीर्तन करनी चाहिए, तीनों को ही करनी चाहिए। इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपं निन्नीतम् हरे नामानुकीर्तनम्।
तो इस प्रकार से तीन प्रकार का ही लोगों को नाम लेनी चाहिए। एंड यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर भगवान के प्रति किया गया अपराध है वो भगवान के नाम लेने से उसकी निवारण हो जाता है। भगवान के प्रति आपके कुछ अपराध हो गया एंड फिर भगवान के नाम लेने पर वो अपराध मिट जाता है। बट वही अगर भगवान के नाम के प्रति अगर अपराध होता है देन फिर वो नहीं जाता है, देन फिर वो नहीं जाएगी। तो इसलिए नाम अपराधों से बचते हुए नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें निरंतर भगवान के नाम लेनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम नाम अपराधों से बचते हुए नाम अपराध नाम लेना चाहिए। अगर कोई सोचे कि प्रभु जी हम हमारे पास बहुत अच्छा टेक्निक है नाम अपराध से बचने का, कौन सा टेक्निक है, फिर नाम ही नहीं लेंगे, नाम ही नहीं लेंगे तो फिर नाम अपराध भी तो नहीं होगा। अगर नाम लेने पे तो नाम अपराध होती है, अगर नाम ही नहीं लेंगे तो फिर नाम अपराध भी नहीं होगा। ऐसा बुद्धू लोग होते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हरे नामानुकीर्तनम, नहीं नाम तो निरंतर लेनी चाहिए। आप ये मत सोचना कि मैं स्कूल जाऊं नहीं तो फेल नहीं होऊंगा। फेल होने से कैसे बच जाएंगे, फेल होने से कैसे बच जाएंगे कि स्कूल जाना ही बंद कर देंगे तो स्कूल फेल नहीं होंगे। फिर फेल तभी, फेल होने की तभी संभावना है जब मैं स्कूल जाऊंगा ना, स्कूल जाना ही बंद कर दूं तो फिर फेल भी नहीं होऊंगा। तो अच्छी बात है, तो इस प्रकार से फेल होने से बच जाएंगे। तो ये सारे मूर्खों की बातें हैं, तो वैसा नहीं करनी चाहिए। रादर वन शुड इंसिडेंटली ले टेक द लॉर्ड्स नेम, एक व्यक्ति को निरंतर ही भगवान के नाम लेते हुए भगवान की इस नाम अपराध करने से बचते हुए भगवान के नाम लेनी चाहिए। उस इस तात्पर्य में बहुत सारी चीजें हैं वैसे चर्चा करने के लिए, बट समय तो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ही समाप्त कर देते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप ये नाम अपराध अगर ध्यान से सुने पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी, इट इज नॉट अबाउट, इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली नेम एंड वॉट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु कृष्णा इज, इसी के ऊपर निर्भर है सारा नाम जप। आपकी हरिनाम को लेकर क्या मतलब है, आपको क्या लगता है कि हरिनाम के क्या मतलब है, तो उसके ऊपर निर्भर है। तो तभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, अगर आप ये भी सोचे कि अगर कोई मान लीजिए कोई और भाषा में भगवान के नाम ले रहे हैं, देन आप सोचेंगे वो नाम नहीं है, देन ये भी अपराध है बता रहे। अगर आप सोचे कि बट वो भगवान के नाम है या नहीं किस आधार पे, आप वो निर्भर है योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु गॉड इज। वो व्यक्ति जो जब वो नाम ले रहे हो उसकी उनकी क्या समझ है भगवान को लेकर, उसके ऊपर निर्भर है। अगर वो कोई भी नाम ले ले तो रहे हैं बट वो मान रहे कि भगवान निराकार है और भगवान ऐसा है भगवान वैसा है करके कुछ उल्टा सीधा मान रहे, तो फिर उसके प्रभाव नहीं पड़ेगी। जैसा आप देखें मायावादी लोग भी, जैसा हमारा सनातन धर्म के अंतर्गत भी मायावादी वे भी कृष्ण के नाम लेते हैं, कृष्ण के नाम लेते हैं, मंत्र मंत्र पढ़ते हैं ना, बट उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग गलत है। इसलिए नाम लेते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत क्लियर होनी चाहिए, व्हाट होली नेम इज एंड हु कृष्णा इज एंड व्हाई एम आई चैंटिंग, ये सारे बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एनीवेज क्या समाप्त करते हैं, धन्यवाद, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास ऑन श्रीमद् भागवतम। प्रभु बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु आपने हमें, हम सभी को श्रीमद् भागवतम का समझाया प्रभु।
प्रभु फिर हम क्वेश्चंस ले सकते हैं प्रभु भी। क्वेश्चंस ना, दो क्वेश्चंस लेंगे, कोई ठीक है ठीक भी दो क्वेश्चंस आप छोड़ लीजिए। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा अमित पटेल प्रभु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी यू बैक इन द नोएडा धाम। आई होप टू सी यू दिस वीक प्रभु। प्रभु इन 10th श्लोका श्रील प्रभुपाद सेज ऑल प्रोसेस डिपेंड्स मोर और लेस ऑन द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। सो आई एम हैप्पी एंड रियली प्रभु रियली डिलाइटेड टू हैव बीन विटनेसिंग दिस एवर सिंस आपका एसोसिएशन मिला हुआ है। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन आर टू, श्रील प्रभुपाद फर्दर सेज दैट आइडिया इज दैट बोथ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिसाइपल मस्ट बी बोनाफाइड। इफ प्रभु जी एक्सप्लेन थोड़ा करें कि बोनाफाइड डिसाइपल कौन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन प्रभु, 10th श्लोका में फर्दर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज ही हु बिलीव्स सिंसियरली दैट बाय बिकमिंग अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड वन बिकम्स फुली इक्विप्ड विथ एवरीथिंग स्पिरिचुअल। प्रभु इसमें ये लास्ट का जो है प्रभु, एवरी इक्विप्ड विथ एवरीथिंग स्पिरिचुअल, ये थोड़ा प्रभु एक्सप्लेन कर दें। एंड प्रभु ऐसा रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट सेशन की हम जब शुरुआत करें प्रभु, तो 11th श्लोका को थोड़ा हम उस पर एक बार फिर से चर्चा करें प्रभु। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बोनाफाइड गुरु एंड बोनाफाइड डिसाइपल, उसी को सद्गुरु सत शिष्य कहा जाता है। सद्गुरु के विषय में तो आप सभी सुने ही हैं, जानते हैं। सद्गुरु मतलब वन हु इज कमिंग द रिसेप्टिव सक्सेशन, जो गुरु परंपरा में आते हैं और जिनके विषय में उपदेशामृत में कहा जाता है, वाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम जिह्वा वेगम, ये 6 वेगों को जिसने दमन किया है वो प्रामाणिक गुरु है। एंड फिर जो शास्त्रों की सार को जो समझ सके हैं तो वो प्रामाणिक गुरु है। जो आचार्य जो आप अपने आचरण से जो सिखाते हैं वो आचार्य है। तो इस प्रकार से ये प्रामाणिक गुरु का पहचान है, सद्गुरु बोनाफाइड गुरु का मतलब ये है। उसी प्रकार से बोनाफाइड शिष्य मतलब सत शिष्य है। जनरल इसके विषय में नहीं जानते हम, गुरु को चान चान कर लेंगे बट खुद भी तो सत शिष्य होना होगा। बोनाफाइड डिसाइपल इज वन हु अंडरस्टैंड्स हिज रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअल मास्टर एंड एक्ट्स बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप। जो उनके गुरु के साथ जो संबंध है वो समझते हुए उस संबंध के आधार पर जो उनको करनी होती है वो करेगा। ऐसा नहीं कि गुरु बना लिया और बैठ गया, क्या होगा? अरे गुरु उद्धार करेगा हमारा, हमने गुरु बना लिया ना, अभी हमारा काम खत्म हो गया, अभी गुरु देखेगा जो करना है वो गुरु देखेगा। मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट, मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट हूँ गुरु पे, गुरु गुरु ले जाएगा। ये डिपेंडेंसी नहीं है, लेजीनेस है। डिपेंडेंसी नहीं है, लेजीनेस है, आलसी है। सो रादर अ डिसाइपल अंडरस्टैंड हिज पोजिशन एंड हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल मास्टर, एंड फिर वो हमेशा आतुर रहेगा गुरु से श्रवण करने के लिए, गुरु की आज्ञा के पालन करने के लिए। गुरु और भी सत शिष्यों का और भी कई सारे एस्पेक्ट्स है जो कि परीक्षित महाराज की कैरेक्टर अगर स्टडी करे देन यू विल अंडरस्टैंड हु अ ट्रू डिसाइपल इज। सही सत शिष्य कौन है आप समझ पाओगे अगर परीक्षित महाराज के कैरेक्टर अच्छा से स्टडी करें। सत शिष्य को किस प्रकार से रहनी चाहिए आप समझ सकते हैं।
उस प्रकार से और भी बहुत कुछ अभी हम समय तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन क्विकली टाइम। ठीक है, हरे कृष्णा अमित प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि भूषण प्रभु आप अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा शशि प्रभु, प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, साबरमई प्रणाम प्रभु जी। प्रभु बोले। जी, मुझे ये पूछना था, आपने बताया कि जैसे भक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त की एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है प्रभु जी, तो आपने शुद्ध भक्त बोला प्रभु जी, वो शुद्ध भक्त मत सब थोड़ा समझना था प्रभु जी, शुद्ध भक्त किन को कहते हैं प्रभु जी। शुद्ध भक्त मतलब जो जो क्वालिफिकेशन मैंने गुरु के लिए उपयोग किया, वही क्वालिफिकेशंस जिनमें है वो शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त है जिसने जो अनन्य भक्ति करता है भगवान की, जो अनन्यता से अनन्य भाव से भगवान को अपने जीवन की एकमात्र आधार के रूप में, आराध्य के रूप में स्वीकार करके उन्हीं का सेवा में दिन रात जो लगे रहते हैं। वैसा ही एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जैसे कि हु इज अ प्योर डिवोटी करके, तो प्रभुपाद ने कहा कि अ प्योर डिवोटी इज वन हु इज मैड आफ्टर कृष्ण, पागल है कृष्ण को लेकर। तो वही शुद्ध भक्त है, पागल होना चाहिए। One is mad after Krishna. And what does a person who is mad after Krishna do? Then Prabhupada और बताए, फिर Prabhupada कहा कि although he has infinite opportunity to gratify his senses and enjoy, but he is so mad after Krishna that he can do nothing but engage in the service of Krishna day and night. वो इतना पागल है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ सारा सुविधा होने के बावजूद भी वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में इतना पागल है को तो कृष्ण का ही सेवा में दिन रात लगा देगा, बस वही काम करता रहेगा, कृष्ण का ही सेवा करता रहेगा। इसलिए भक्तों को कई बार पागल लोग हैं तो पागल पागल बन जाते हैं। तो ये एक एक प्रकार की वैसे तो सर्टिफिकेट है, अगर कोई आपको कह दे कि तो आप इन भक्तों से जुड़कर पागल बन गया, तो इसको मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, भक्तों की सर्टिफिकेट मिल गया, तो अच्छा है कोई कह दे पागल होगा करके। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा शशि प्रभु, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू फॉर गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार ही हम सभी डिवोटीज प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर श्रीमद् भागवतम की क्लास के लिए, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। एक बार ही हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है अभी, समराइज करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। वो जो हमने पिछले सेशन में बताया था कि नेक्स्ट क्लासेस ऑनवर्ड्स जो हम नया मेथड अप्रोच करने वाले हैं जूम लिंक ज्वाइन करने का, तो उस पर एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, वो एक बार ही आप सभी देखिएगा, फिर मेरे को अभी मेरे को बताइएगा जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो। हरे कृष्णा।
ऑनलाइन श्रवण फेस्टिवल की संपूर्ण टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि गत हफ्ते आपको सूचित किया गया था कि मार्च के महीने से होने वाले सेशन में हम एक ऑनलाइन फॉर्म रोल करेंगे आपको मीटिंग्स को ज्वाइन करने के लिए, जूम मीटिंग्स को ज्वाइन करने के लिए उस फॉर्म को फिल करना अनिवार्य होगा। आपको इस नई व्यवस्था से अवगत कराने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आपको जो व्हाट्सएप में जूम मीटिंग की लिंक्स मिलती हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मैं को ये कुछ फॉर्म बना आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको कुछ अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे you आपका can नाम, see आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आप प्रतिदिन कितने राउंड हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं। ये सभी जानकारी भरने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी भक्तों का सानिध्य, सभी भक्तों का एसोसिएशन और हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु की के द्वारा प्रभु की महिमा और गुणगान का रस स्वादन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक छोटी सी जानकारी और आपके लिए, जैसे आप जिस डिवाइस से, जैसे आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन से इस लिंक को एक बार क्लिक की और सारी जानकारी भर दी, तो अगली बार, अगले हफ्ते जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म होगा उसमें सारी डिटेल्स अपने आप ही होंगी, आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं होगी। हद से हद यदि हुआ तो आपको सिर्फ शायद अपना फ़ोन नंबर और कितने राउंड्स हैं वो आप फिर से उसमें ऐड कर सकते हैं। इस अपनी ईमेल आईडी को जो और जो फ़ोन नंबर आप यूज़ करेंगे, आपसे निवेदन होगा कि सिर्फ वो उस आईडी का ही इस्तेमाल सभी सेशन के लिए करें। हर बार हर सेशन में एक नई आईडी या नए फ़ोन नंबर की एंट्री ना करें, इससे हमें आपकी उपस्थिति और आपकी अनुपस्थिति दोनों को ट्रैक करने में आसानी होगी। जैसा कि वेदांत चैतन्य प्रभु हमेशा कहते हैं कि आप इस संध्या के वक्त में, शाम के वक्त में बहुत सारी मनोरंजक गतिविधियों में शामिल हो सकते थे, शायद मूवी देख सकते थे, कहीं पर डिनर के लिए जा सकते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकते थे, लेकिन आपने मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने की जगह श्री हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु के द्वारा श्री हरि की महिमाओं का गुणगान सुनने का, रस स्वादन करने का निर्णय लिया। तो आप सभी से निवेदन है, ये उम्मीद है कि, आशा करते हैं कि आप इस व्यवस्था का पार्ट बनेंगे और हमारे इस प्रयोग को सफल करने में हमारी संपूर्ण मदद करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, तो आप सभी ने देखा होगा वीडियो जो अमित पटेरिया प्रभु जी की आवाज में जो वीडियो था। अगले सत्र में जो क्लासेस होंगी, आगे से जो क्लासेस होंगी इन द मार्च ऑनवर्ड्स, तो उसमें थोड़ा चेंजेस है, वो आपने देखा होगा वीडियो, तो वैसे ही ये चलेगा भी आगे मार्च से, तो वैसे ही आप लॉगिन करिएगा और हमें हमें सपोर्ट करिएगा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में जो हमने ये वीडियो बनाया है, और ये जो इसको हमें लागू करना है मार्च से, तो हमें सपोर्ट करो, यही आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, ठीक है। तो हरे कृष्णा, जय श्री माता जी, नारायण प्रभु जी। कुछ आपका क्वेश्चन हो तो आप चैट में एक बार डाल सकते हैं, मैं आपको फिर, या ठीक है, तो हम अभी एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से बिफोर वी वाइंड अप दिस श्रीमद् भागवत क्लास आज के लिए, ठीक है। तो आज के सत्र में हमें प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो बताया, श्लोक का जो बताया हमें, उससे हम क्या सीखा, वो ये कि सुखदेव गोस्वामी जी जो थे वो पहले से ही मुक्त थे, है ना, तो वो भी, और वो उनका जो था वो मायावादी टच में थे, है ना, वो थे पहले से ही मुक्त, तो वो परमानंद में रहने वाले भक्त थे, है ना, परमानंद में रहने वाले थे, व्यक्ति थे, पर जैसे ही उनको भगवान की, पर वो भी वैसे व्यक्ति भी, सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति भी जो मायावादी से मायावादी थे, वो भी भगवान की लीलाओं से आकर्षित हुए, वो कब, जब उनके पिताजी श्रील व्यास जी के द्वारा भेजे गए जो शिष्य थे, उन्होंने जब वो रिसाइट करे दो श्लोक, तो वो भी उन
श्लोकाओं को सुनने से, उन दो श्लोकाओं को सुनने से, भगवान की लीलाओं से आकर्षित हुए सुखदेव गोस्वामी जी। तो यही बताया गया कि जब भी मायावादी, कोई भी व्यक्ति मायावादी या कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्तों के संपर्क में जब भी आता है तो वो भी भक्त बन जाता है ना। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी के साथ हुआ, जब वो श्रील व्यास देव जी के द्वारा बताए गए जो दो अद्भुत श्लोक थे, तो शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से सुखदेव गोस्वामी भी शुद्ध भक्त बने, है ना, मायावादी से भक्त बने। ये हमें बताया कि हमें कैसे एसोसिएशन से फर्क पड़ जाता है ना। एसोसिएशन से, भक्तों की एसोसिएशन लेने से हम भगवान की लीलाओं से आकर्षित होते हैं, है ना। एक तो हमें ये सीखा। दूसरा, हमने जो प्रभु जी ने बताया कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ द्वापर युग के एंड में ही आए थे और वो ऐसी जो लीला हुई उनकी, परीक्षित महाराज जी ने जो सुना उनसे श्रीमद् भागवतम, और सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम बताया उनको, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो पहली बार हुआ, तो दे आर इटर्नल सोल्स, वो पहले भी थे, वो अभी भी थे, है ना। तो ये लीलाएं वो पहले भी कर चुके थे, तो वो कोई नॉर्मल सोल्स नहीं थे जो सिर्फ इसी द्वापर युग के एंड में आई हुई थी। तो वो बहुत ही अद्भुत और अलग तरह के व्यक्तित्व थे, इटर्नल सोल्स ही, है ना। वो पहले से ही अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, है ना सभी। तो हमें भी वैसा ही, जैसे परीक्षित महाराज जी का उद्धार हुआ श्रीमद् भागवतम सुनकर सुखदेव गोस्वामी जी जैसे शुद्ध भक्तों से, तो हमें भी वैसा ही श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भागवतम का, परीक्षित महाराज जैसे हमें सुनना चाहिए, किनसे, शुद्ध भक्तों से, जैसे हमें इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी हमें श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं हर क्लास में, हमें हम टाइम पर आए, सुने, ध्यान से सुने, तो वही इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का भी सम्मान है और श्रीमद् भागवतम का भी उसी का उसी वही सम्मान है ना। तो हम अगर ध्यान से सुनेंगे तो वैसा ही हमें रवैया रखना है परीक्षित महाराज जैसा, कि उन्होंने अपना पूरा ध्यान, 7 दिनों वाला ध्यान, पूरा ध्यान लगाया उन 7 दिनों में सिर्फ सुखदेव गोस्वामी जी की तरफ जो श्रीमद् भागवतम उनको बता रहे थे, है ना। हमें ध्यान से सुनने से ही हम भागवतम का सम्मान करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे भागवतम की तरह। क्यों? क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है, भागवतम ही भगवान का शास्त्रीय अवतार है ना, शास्त्रीय अवतार कहा जाता है भागवतम को, श्रीमद् भागवतम को। तो कोई ऐसा हम अपराध ना करें, ध्यान से सुने, ऐसा नहीं कि हम कुछ और काम कर रहे हैं और भागवतम चला हुआ है, प्रभु जी बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें, इसी में ही हम सम्मान देंगे उनको। और इसी से ही अगर हम ध्यान से सुन पाएंगे, ध्यान से सुनने की प्रयास करेंगे, तो इसी से ही हमारा भगवान में मन लगेगा, है ना। मन लगेगा फिर श्रद्धा बढ़ेगी अगर हम ध्यान से सुनेंगे, और फिर नित्य भागवतम सेवा हमें रोज पढ़ना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ 7 दिन जैसा डिस्कोर्सेस चलते हैं जैसे श्रीमद् भागवतम पे, वैसा नहीं, हमें नित्य श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए, थोड़ी सी पढ़ो और नित्य पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो वही है, उसी से श्रद्धा बढ़ेगी, उसी से भगवान में मन लगेगा। तो यही भागवतम, श्रीमद् भागवतम के प्रति हमारा सम्मान है, रिस्पेक्ट है, और इसी से ही अपराध नहीं करेंगे हम अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे क्लासेस को, ठीक है। और इसी से ही हम हमेशा गुरु का फिर सम्मान करेंगे, जो हमें हमारे गुरु इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी जो हमें बता रहे हैं, अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो हम उनका सम्मान कर रहे हैं, है ना, और सम्मान करें। और फिर हम हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सेवा करें, है ना। फिर तभी शास्त्र हमें समझ आएंगे, जो श्रीमद् भागवतम है वो समझ भी तभी आएगा जब हम भगवान गुरु की, गुरु का सम्मान करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो सेवा कैसे करेंगे? सेवा ऐसे होगी कि जो वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, जो हमें इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी बता रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं हमें करने को, वो हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। अगर वो हमें कह रहे हैं कि प्रचार करना है तो हमें प्रचार करना है, अगर वो बोल रहे हैं हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है, या जो भी हमें भक्ति के मार्ग वो हमें बता रहे हैं, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो हम गुरु का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और सेवा करने से हमें शास्त्र अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अगली क्लास में अमित पटेल प्रभु जी भी आज रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो श्लोक हम दोबारा से प्रभु एक बार ही करेंगे, कि हमें भगवान का श्रवण, भगवान का लीलाओं का श्रवण, जो भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में उनका श्रवण इस वेदांत चंद्र प्रभु जी से, या खुद पढ़कर, है ना,
और भगवान का जो हम नाम का जो चैंटिंग करते हैं वो अपराध रहित होना चाहिए। अपराध रहित रहेगा तो ही हमारा श्रद्धा बढ़ेगी और ध्यान लगेगा और मन लगेगा, तो वो उन चीजों में कोई अपराध नहीं होना चाहिए। तो हम बहुत ही सतर्क रह के ध्यान से श्रवण और रीडिंग और स्मरण और सब कुछ अपराध रहित होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। आप सभी डिवोटीज ऐसी रेगुलरली क्लास में ज्वाइन करें हमारे साथ, है ना, डेली टाइम पर। आपको वो नया मेथड बता दिया, वो हम मार्च से इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो हमें इंप्लीमेंट करने में सपोर्ट करो सभी, है ना, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, आज का सत्र हम यहीं पर विराम करते हैं फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही ज्वाइन करो और सभी हम सभी मिलकर इस ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु जी से श्रीमद् भागवतम सुनने का, समझने का और अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। विद दिस वांछा कल्पतरुक्ष कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ऑल डिवोटेड।